दोस्तों अगर आप फ्लैगशिप मोबाइल लेने के शौकीन हैं या फ्लैगशिप मोबाइल रखने के शौकीन हैं तो ये जो फ्लैगशिप फोन है इसको खरीदने के बाद आपको गारंटी है कि 4 से 5 साल तक आप दोबारा किसी फोन के बारे में नहीं सोचेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज जो चैनल का नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा चैनल पर इसी तरह की ढेर सारी मनोरंजक वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ सोनी एक्सपीरिया 1 Mark II के बारे में। सोनी ने अपने एक्सपीरिया 1 Mark II फोन को लॉन्च किया है दोस्तों, बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में आपको इस फीचर फोन के बारे में बता देता हूँ जिसमें आपको ऐसी फीचर्स मिलेगी जो शायद अब तक के दुनिया के किसी भी फोन में नहीं मिली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोनी एक्सपीरिया 1 Mark II के। आपको ड्यूल ऑटो फोकस 20 FPS की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। अगर आप वीडियो के या फोटोग्राफी के शौकीन है, अगर आप महंगा कैमरा रखे हैं या लेना चाहते हैं, या सोनी का अल्फा सीरीज का कोई भी कैमरा अगर लेना चाहते हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये मोबाइल आपकी उन सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज लाइक जरूर कर। चलिए देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दूंगा सोनी एक्सपीरिया 1 Mark II के बारे में। ये रियल फ्लैगशिप फोन क्यों है, ये क्यों ऐसा फोन है कि जिसको लेने के बाद आप 5 साल तक, अगर आप फोन के इंटरेस्टेड हैं तो 5 साल तक आपको कोई भी फोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये है 2020 का अब तक का सबसे बढ़िया फ्लैगशिप फोन जहां पर आपको 5G कनेक्टिविटी मिल जाएगी। फिलहाल के लिए दोस्तों 5G की बात करें तो इंडिया में भी फिलहाल 5G 1-2 साल तक अभी फिलहाल नहीं आने वाला। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस मिलने वाला है, वायर्ड और विदाउट वायरलेस दोनों तरह का बेटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। यहाँ पर आपको हाई रेज ऑडियो वायरलेस, जी हाँ, साथ में LDACA का सपोर्ट भी मिलने वाला है यहाँ पर आपको। हालांकि दोस्तों आपने बहुत सारे फोनों में सुना होगा AI का सपोर्ट, यहाँ पर आपको ऑडियो के अंदर में AI का सपोर्ट मिलने वाला है, जहाँ पे आपको DSEE का भी सपोर्ट मिलेगा साथ ही साथ इस फोन के अंदर में। सबसे पहले अगर यहाँ स्क्रीन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको स्क्रीन का डायमेंशन है जो 166x72x7.9 mm का आपको यहाँ पर स्क्रीन साइज मिलेगा। वेट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 181 ग्राम का इसका वेट मिलेगा। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो 6.5 इंच का एक्सपेक्ट रेशियो की बात की जाए 21:9 का सिनेमा वाइड डिस्प्ले आपको मिलने वाला है और डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 4K HDR OLED स्क्रीन के साथ आपको इसका रेजोल्यूशन जो है 3840x1644 का आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलने वाला है। अदर फीचर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको क्रिएटर मोड पावर्ड बाय सिने अल्ट्रा, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको इसका सपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं तो वरना आप समझ भी नहीं पाएंगे और मैं कायदे से आपको समझा भी नहीं पाऊंगा, इसलिए फटाफट सारी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। वीडियो प्लेबैक की अगर बात की जाए तो सारे फॉर्मेट आपको यहाँ मिल जाएंगे और ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कॉर्निंग कोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन, साथ में वाटर रेजिस्टेंस IP65 और 68 का भी सपोर्ट मिल जाएगा। कैमरे की बात की जाए तो ट्रिपल लेंस कैमरा आपको मिलने वाला है यहाँ पर, जो कि 12 MP के तीनों कैमरा जो है। दोस्तों यहाँ का कैमरे फीचर की बात करें जाए तो यहाँ को जायज लेंस का सपोर्ट आपको इसके अंदर मिलने वाला है, जहाँ से इसके लिए आपको जो कि स्पेशली जायज का जो कि एक्सपीरिया 1 Mark II के लिए बनाया गया है, जो कि टी कोटिंग का अप टू 20 FPS AE और AF का सपोर्ट देगा, जहाँ पर आपको अप टू 60 times per second तक कंटिन्यूस AF फोकस रहेगा आपको, ठीक है। रियल टाइम आई फोकस ह्यूमन एंड एनिमल्स पे आपको ये सपोर्ट करेगा। ड्यूल फोटो ड्यूडल डायोड का इसमें उपयोग किया है। 3D ITOF RGB IR OIS का सपोर्ट मिलने वाला है यहाँ पर, और यहाँ पर इमेज फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो JPEG और RAW दोनों हैं। वीडियो फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी टिपिकल वीडियो फॉर्मेट हैं ये सारे आपको मिलने वाले हैं, और वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर HDR में 4K में यहाँ आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेमोरी स्टोरेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 8GB रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 1 TB तक। दोस्तों सिम की बात की जाए तो यहाँ ड्यूल सिम सपोर्ट है, यहाँ पर नैनो सिम का सपोर्ट है, एक्सटर्नल डेडिकेटेड सिम स्लॉट इसके अंदर आपको नहीं मिलने वाला है। और अगर यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 2G, 3G और 5G में आपको मिल जाएगा सारे जो बैंड है N1, N3, N28, N27 और N78 सारे सपोर्ट मिल जाएंगे, और सारे जितने भी टिपिकल सेंटर है वो सेंसर्स हैं वो आपको सारे मिलने वाले हैं, और साइड में इसका फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा आपको। ऐसा ही कुछ फीचर है। और दोस्तों ये 3 कलर वेरिएंट में आने वाला है,
पर्पल, ब्लैक, व्हाइट, ये तीन कलर वेरिएंट पे आने वाला है। इसी के साथ दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके प्राइस वगैरह की तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी, अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ ये चैनल का सब्सक्राइब बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा चैनल पर इसी तरह की ढेर सारी वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।